दोस्तों देखिए फेरिकोस फिंस किस में दिखाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, आपको देखिए देखिए आपको देखिए ये जो पाव है जो पीछे वाला हिस्सा है, ये देखिए ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसमें फेरिकोस फिंस ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दिखाई देता है। जैसे देखिए इसमें तो प्रॉब्लम तो नहीं है अभी, किंतु इसमें आपको जैसे आपको सीधा ऐसे रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आपको क्या है इकट्ठा रहेगा जैसे फोटो में देखें, देखिए उसका जैसे इसमें आपको प्रॉब्लम रहेगा। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं खुद इसी और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं, सब ठीक ठाक हो सर? मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज दोस्तों आज एक नया स्पेशल वीडियो मैं बनाया हूँ, ये है फेरिकोस फिंस। क्योंकि दोस्तों बहुत आदमी मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था और मुझे वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिला था। क्यों दोस्तों, आप लोग तो समझ गया होगा बैकग्राउंड देखे, क्योंकि मैं अभी घर आया हूँ और घर में सीएल छुट्टी लेके आया हूँ और उसकी वजह से आपको क्या है वीडियो में दे नहीं पाया। इसलिए दोस्तों आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया, क्योंकि बहुत मेरा भाई रिक्वेस्ट कर रहा था फेरिकोस फिंस के बारे में आपको वीडियो देने के लिए। इसलिए क्या है आप जरूर देख लीजिए इसको वीडियो को, और बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा आपको। बिना स्किप करते हुए आप लोग ये देख लीजिए और इसका एक्सरसाइज जो है मैं वो भी बताऊंगा, और कौन सा आपका प्रॉब्लम है आपको रिजेक्ट करने का, जो भी पॉइंट मिलेगा किस प्रॉब्लम में आपको पॉइंट मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो समस्या है फेरिकोस फिंस, ये कौन क्या है हो जाता है जो भी आदमी का है उसका मैं बता रहा हूँ। अब क्या है ज़्यादा जो रनिंग है बा जो ज़्यादा जिम करता है उसका वजह से भी इसका हो सकता है, क्योंकि उसका क्या है बहुत वेट भारी चीज़ भी करता है, उसका वजह से भी इसका पैरों में उसको दिखाई देता है, उसका जो फेंच है पैरों में भी दिखाई देता है। दोस्तों उसका पैरों में जो फेंच है उसका भी एक ये है, जैसे देखिए आप जैसे देखिए ऊपर ये जो फोटो है ना उसका जैसे आप होगा तो जैसे सीधा होगा, सीधा होने से आपको क्या है आपको रिजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी का वो सीधा रहता है हमेशा, क्योंकि वो जिम जैसे रनिंग करता है कोई भी एक्सरसाइज करने से भी उसका क्या है वो निकल जाता है उसका फेंच, और इसका वजह से आपको क्या है रिजेक्ट नहीं करेगा। दोस्तों कौन सा चीज़ में आपको रिजेक्ट करेगा मैं दिखाता हूँ उसको, आप देखते रहिए। दोस्तों जो ये ऊपर ये और दूसरा आपको फोटो में दिखा है इमेज, और इसका वजह से आपका इसका जो प्रॉब्लम है इसका होने से भी आपको क्या है रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि इसका जो है नर्व जो आपको फेंच है वो बहुत ही ज़्यादा आपको दिखाई देता है, वो जैसे देखिए एक ही जगह में बहुत ज़्यादा है, और उसमें उसका वजह से क्या है जो ब्लड सर्कुलेशन है ऊपर तक पहुँच नहीं पाता, जैसे दिल से आपको ब्लड सर्कुलेशन नीचे तक आ जाता है और नीचे से वो जा नहीं पाता, उसकी वजह से क्या है उसका ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आदमी का, और उसका वजह से भी SSC GDRMA में रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपको क्या है फिट नहीं करेगा दोस्तों। और इसका इलाज भी है दोस्तों, एक्सरसाइज भी है, और जिसका ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो चुका है उसका क्या है उसका लेज़र ऑपरेशन भी होता है, और उसको थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है दोस्तों, और जिसका कम है मैं जो आपको बता दूंगा वो एक्सरसाइज करने से भी आपको सुधार जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्त क्या है आपको मैं ज़रूर बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा आपको, एक्सरसाइज और आप जो धूम्रपान करता है, जो मेरा दोस्त है आए हैं आप लोगों एक बात बताना चाहता हूँ, आप जो आदमी धूम्रपान करता है वो भी आप बंद कर दीजिए, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। उसके बाद दोस्तों इसका क्या फास्ट एक्सरसाइज आपको मैं बताऊँगा, और मैं देखिए मैं घर में हूँ इसलिए दिखाऊँगा, भाई दिखाएगा आपको कौन सा एक्सरसाइज करने से आपको क्या ठीक हो जाएगा दोस्तों। देखिए फास्ट एक्सरसाइज हो गया दोस्तों क्या है बटरफ्लाई। अब दोस्तों देखिए कौन सा है ये है बटरफ्लाई एक्सरसाइज, फास्ट एक्सरसाइज बताता हूँ, और ये एक्सरसाइज करने से भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। दोनों को आपको क्या है ऐसे लगाना है, पंजे टू पंजा ऐसे लगाना है, एरे टू एरे लगाना है, उसके बाद हाथों दोनों हाथों से ऐसे पकड़ना है, उसके बाद देखिए मेरा भाई जैसे आपको कर रहा है ऐसे आपको क्या है आपको ऐसे ही करना है। देखिए ये एक्सरसाइज करने से भी आपको 10-15 बार आपको क्या है सुबह शाम इसको करना है, उसका मतलब क्या है उससे भी आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा ये एक्सरसाइज बटरफ्लाई एक्सरसाइज से। उसके बाद क्या है दूसरा दोस्तों देखिए ये दूसरा एक्सरसाइज क्या है पंजे के ऊपर क्या है आपको क्या है हल्का सा बैठना है और उसके बाद ऊपर उठना है, हल्का बैठना है उसके बाद और ऊपर उठना है, ऐसे आपको लगातार 15-20 बार आपको ये भी करना है, तो आपको सुबह शाम 2-3 करना है इसको भी, तब आपका क्या फेरिकोस फिंस आपका ठीक हो जाएगा इससे। और उसके बाद आपको तो मैं बोल दिया है मालिश करके भी इसको सुधार कर सकते हो। आपको मालिश कैसे करेगा आपको, जैसे आप पाँव खोल दीजिए, पाँव खोलने के बाद आपको जहाँ पे आपको ये दिखाई देगा जो फिंस दिखाई देगा ये पीछे की तरफ फिंस दिखाई देता है, इसमें आपको क्या हल्का हल्का आपको मालिश करना है, जैसे दबाना नहीं ज़्यादा जोर से, हल्का हल्का इसको क्या है मालिश करना है, इसको तेल लगा के तेल सरसों का तेल रहेगा आपके पास, और लहसुन का दाना 2-3 दाना लेके उसमें सरसों का तेल में आप डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा उबाल लीजिए तेल को, जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा तब आप क्या है उस तेल से भी आपको क्या हल्का हल्का से
आप सुबह शाम आप इसमें क्या है मालिश कर दीजिए, तो आपसे आपको क्या है उससे भी आपको रिलैक्स मिल जाएगा और आपका ये क्या ठीक हो जाएगा। उसके बाद और दोस्तों देखिए, जैसे आपको क्या कोई भी आपका जो मतलब जैसे आप सो जाता है सोने से क्या है पाँव आपको उठाने के लिए कोई भी जैसे ताकिया हो व कोई सोफा सेट हो किसी में भी जिसमें आप पैर उठा सकते हैं, जैसे आप देख लीजिए जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं आप क्या है ऐसे आप पाँव उठा दीजिए ऊपर, उठाने से भी ऐसे भी आपको क्या है 10-15 मिनट बाद आधा घंटे तक आप ऐसे क्या है सो जाओ, नहीं तो आप पढ़ाई भी करते रहो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी आपको पैर उठाने से भी आपको क्या है वेरिकोस पेंस का आपको प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए वेरिकोस पेंस किस में दिखाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखिए आपको देखिए ये जो पाँव है जो पीछे वाला हिस्सा है, ये देखिए ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसमें वेरिकोस पेंस ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दिखाई देता है। जैसे देखिए इसमें तो प्रॉब्लम तो नहीं है अभी, किंतु इसमें आपको जैसे आपको सीधा ऐसे रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे आपको क्या है इकट्ठा रहेगा जैसे फोटो में देखें देखिए उसका जैसे इसमें आपको प्रॉब्लम रहेगा तो आप क्या है आप अनफिट है दोस्तों। और उसमें कितना ज़्यादा होने से भी आपको पास करेगा फिट करेगा आपको सब कुछ बताऊंगा मैं ये वीडियो में, और आप देखते रहिए वीडियो को। सो जो भी मैं आपको बता दिया इसका जो सोल्यूशन है जो एक्सरसाइज है आप ज़रूर कर लेना इसको, और अब इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और वीडियो तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया हूँ ये वीडियो। और जय हिंद, धन्यवाद।